आएंगे अब हैदराबाद की, जहां पर प्रधानमंत्री भारत बायोटेक का दौरा करने के लिए पहुंच गए हैं। पीएम मोदी अहमदाबाद से हैदराबाद पहुंचे हैं, तीन कंपनियों का दौरा कर रहे हैं, जहां पर कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर जो परीक्षण है वो अंतिम चरण में है, तीसरे चरण में बताया जा रहा है। उसके बाद कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ये वैक्सीन हम सबके सामने होगी। पीएम मोदी हैदराबाद पहुंच चुके हैं, हैदराबाद में वो भारत बायोटेक नाम की कंपनी का निरीक्षण करेंगे, जहां पर ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन अपने तीसरे चरण में। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस वक्त, संजय तिवारी। संजय, क्या प्रधानमंत्री अभी लैंड किए हैं या फिर अभी वक्त लगेगा भारत बायोटेक कंपनी उन्हें पहुंचने में? प्रधानमंत्री जो है वो हाकिमपेट एयरपोर्ट पर लैंड कर गए हैं। जो अभी अभी हमको सूचना मिली है कि हाकिमपेट एयरपोर्ट पर लैंड कर गए हैं। एयरफोर्स का बेस है ये, जहां पर वो प्रधानमंत्री का हवाई जहाज अभी लैंड हुआ है, और अब कुछ देर में ही वो भारत बायोटेक जो हमारे पीछे है वहां कुछ देर में ही पहुंचेंगे। तकरीबन 20 मिनट का समय लगेगा उनको यहां पहुंचने में, बाय रोड आने में, और उसके बाद वो अंदर जो है वो वैज्ञानिकों से मिलेंगे। जो कोवैक्सीन जो इनका वैक्सीन है भारत बायोटेक का, उसकी प्रगति किस तरह से चल रही है उस सब की जानकारी लेंगे। पूरे जो लैब है, लैब का अंदर निरीक्षण करेंगे, और ख़ास बात यह है कि ये वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाएंगे कि ये जो स्वदेशी वैक्सीन है कोवैक्सीन, वो जल्दी से जल्दी आ सके। आपको जैसा जानकारी है, हमारे दर्शकों को भी पता है कि ये थर्ड फेज का ट्रायल जो है वो इस समय चल रहा है, और ये इसमें 28,500 लोगों को, जो सब्जेक्ट्स हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, उनको ये डोज दिए जाने हैं। वो डोज देने के बाद जाहिर तौर पर ये माना जा रहा है कि उसके रिजल्ट्स, उसके डेटा कलेक्ट करके, और ये जनवरी के लास्ट तक या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक तक ये माना जा रहा है कि शायद कोवैक्सीन जो है वो लोगों के बीच आने के लिए तैयार होगा। तो कुल मिला के जो है ये पूरी तैयारी सरकारी तौर पर और जो भारत बायोटेक की तरफ से, वो पूरे अपने चरम पर है, और उसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री का आज का दौरा ये कहीं ना कहीं जो आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है, भारत के वैज्ञानिक वो सारे काम कर सकते हैं, और मैं कहूँगा कि वो दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक से बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं। तो उस चीज़ को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, और इसका मैसेज पूरे देश में जाएगा जाहिर तौर पर कि हिंदुस्तान पूरी तरह से संबल है, उसके पास इतनी ताकत है कि वो इस कोरोना महामारी का अंत करने का उपाय ढूंढ सके। जी संजय, एक बात और जो मैं जानना चाहती हूँ, ये कि इस वैक्सीन को लेकर कहा जा रहा है कि थर्ड फेज में है ट्रायल, और बहुत जल्द कोरोना वैक्सीन हम सबके सामने होगी, लेकिन क्या इस कोरोना वैक्सीन के सामने आने के बाद ये जो मास्क हम लगाते हैं जब भी हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं, या हम कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहां लगता है कि कुछ भी ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं, क्या उस मास्क को पहनने से आज़ादी मिलेगी? जाहिर तौर पर वैक्सीन का मतलब यह है कि आपके बॉडी के अंदर वो इम्यूनिटी पावर डेवलप हो जाए जिससे अगर उस तरह के वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी सूक्ष्म जीव का अगर अटैक होता है तो आपके शरीर के अंदर उससे लड़ने की क्षमता विकसित हो जाए। वैक्सीन की सफलता ही इस बात का है, सफल वैक्सीन उसी को माना जा सकता है जिसके लेने के बाद उस तरह का जीवाणु, उस तरह का विषाणु जो है आपके शरीर को कोई बीमार ना कर सके। तो ये वैक्सीन जो है इसी पर्पज़ के लिए तैयार की जा रही है। कोई भी मेडिसिन या कोई भी बीमारी की दवा और वैक्सीन में मुख्य अंतर यही है कि वैक्सीन लेने के बाद जो है वो ये उस विषाणु से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर के अंदर विकसित हो जाएगी, और जाहिर तौर पे जब हमारे शरीर के अंदर वैसी क्षमता होगी तो हमको मास्क लगाने की शायद ज़रूरत ना पड़ेगी। लेकिन मास्क जो है वो एक तरह का इस तरह के जीवाणु से बचाने, जब तक इस तरह की वैक्सीन नहीं आती है तब तक मास्क ही एकमात्र और सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र सहारा है। संजय, ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि अभी भी कोरोना वैक्सीन बन भी जाएगी तब भी उसे गांव